कि हम दोबारा से ग्रुपिंग अपनी करके अपने आप को मजबूत करके दोबारा हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और अवामी राबता मुहिम का आगाज किया गया। इस अवामी राबता मुहिम में हमने फिर बहुत सारी स्ट्रगल देखी, इमरान खान के ऊपर हमला देखा, पब्लिक रैलीज देखी, गैदरिंग देखी, फिर कहीं डायवर्जन आ गया। एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला फौज से है, और इस डायवर्जन में या इस नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत सारे दोस्त अनकंफर्टेबल रहे। बहुत सारों ने खान साहब को एडवाइस दी किया बहुत ठीक कर काम कर रहे हैं, ये मुनासिब है, और बहुत सारे इसमें खिलाफ भी रहे। अब आज तो हर आदमी बैठ के कहता है कि मैं इसके खिलाफ है, लेकिन जिम्मा किसी ना किसी को लेना है, और मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो लोग आज बैठ के सोचे हैं जिन्होंने खान साहब के गिर्द बैठ के इस तरह की एडवाइजेस दी और अजीब अजीब नामों से हमने पुकारा, कभी मिस्टर एक्स, कभी वाई, कभी डर्टी हैरी, कभी कुछ कभी कुछ, और जाहिर है कि वो एक आम आवाम के जहन में ये बात बैठ गई कि हमारा मुकाबला सियासी कुव्वतों से नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ। खान साहब का अरेस्ट होता है 9 तारीख को और उसके बाद मुल्क में गदर शुरू हो जाता है। मैं 9 तारीख को शाम को शाह महमूद कुरैशी के साथ कराची से इस्लामाबाद चला जाता हूं और मेरे जो पार्टी के लोग थे वो कुछ नाराज भी हुए कि जी आप इस एहतजाज में नहीं आ रहे, आप इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। ये मेरा एक डिस्कम्फर्ट शो कर रहा था कि ये मुनासिब नहीं है, और उस मनहूस दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, उस जहाज के ऊपर जो MM आलम ने उड़ाया था, शोधा की निशानियों पे। इसका फैसला भी होना बाकी है कि वो हमला किसने किया था, और जिस किसी ने भी वो हमला किया था, विनाशुल कौम हम सब इकट्ठे होके इस बात पे यक आवाज है कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले, ख्वास का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सबका दिल अपने शोधा के साथ है। जाहिर है जब किसी शहीद की लाश, उसके जवान बच्चे की लाश घर पर आती है, उसका दुख उसके माँ बाप समझ सकते हैं। हम तो दूर से बैठ के देखने वाले लोग हैं। मेरे बाकी साथी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने अपने अपने बताए ताल्लुकात के वो फौज से कितना इंटरलिंक है। मैं नहीं हूं इंटरलिंक, मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा, लेकिन मेरा दिल तो है ना अपने पाकिस्तान के साथ। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई फौजी नहीं गुजरा लिहाजा मेरा फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक है, मेरा एक वास्ता है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहता था, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं GD पायलट बनूं। मेरी वालदा ने मुझे सिर्फ इस वजह से नहीं जाने दिया कि वो जंगों में जाते हैं, महाज पे जाते हैं, वहां शहादतें होती हैं, और मैं अपना बेटा नहीं खोने देना चाहती। लेकिन आज भी ऐसी माएँ जिंदा हैं जो घर में एक शहीद की लाश आने के बाद दूसरा बेटा पेश करती है, इसको भी आप ले लें फौज में और इसको ले जाएं। तो बड़ा दिल गुर्दे की बात है, बड़ा दिल चाहिए इसके। कोई भी फौजी, सिपाही की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए के लिए बॉर्डर पे जान देने को तैयार नहीं होता? या है कोई आदमी जो 50,000 रुपए के लिए जाके जान देने, तो मुझे बता रहे, वो जान देता है इस बात पे कि उसके मुल्क के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उसके साथ उसके पीछे खड़े हैं, उनका फौज का मोरल हाई होता है अपने लोगों को पीछे खड़ा देख के। ये टैंक और तोप बाद में आते हैं, पहले तो मोरल लड़ने का दिल तो पकड़े, वो दिल जब पकड़ेगा जब फौज साथ खड़ी हो। खैर, वो चाहे अफसोसनाक बात क्या, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, जिसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीजों में, उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने 4-5 दिन, 9 तारीख के बाद 5-6 दिन मैंने, जब कौम साथ खड़ी हो। खैर, वो इंतहाई अफसोसनाक बात क्या, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है,
इसकी इंक्वायरी करके उसके लोगों को जो उसमें शामिल थे उन चीजों में उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने 4-5 दिन 9 तारीख के बाद 8-6 दिन मैंने मफलूरी में गुजारे, इधर से उधर छुपता फिरा। उसके बाद मैं पकड़ा गया, जेल हुई, ATC में पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि वो बिल्कुल बेफजूल पर्चा था, मैं था ही नहीं यहाँ पे, किसी एक रैली में किसी एक इत्तेजाज में आप मेरी फुटेज नहीं दिखा सकते, मैं नहीं था यहाँ। मैंने वही चीज आज सुबह जज साहब को पेश किए हैं, मैं अपना टिकट दिखाया है, अपने इस्लामाबाद में रहने की रसीदें सारी चीजें उनको दिखाई हैं, जिसके ऊपर मेरी बरियत हुई। और आज मैं बरी होने के बाद जब मैं आजाद शहरी की हैसियत से हूं, मुझे कोई जेल का खतरा नहीं है, मेरे पे कोई और पर्चे नहीं है, मैंने ये फैसला किया है। और मैंने ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया, मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से, क्योंकि मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूं, छोड़ता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं आज के बाद से कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझसे बन पड़े अपने मुल्क के लिए करूं। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि खत्म हो जाएगी, कि यही मेरा आखिरी सफर था, यहीं तक मेरा सफर था सियासत में, लेकिन जितनी मुझे पाकिस्तान की कौम ने मोहब्बत और इज्जत दी उसका मैं उनका मशकूर हूं। अगर किसी का दिल टूटा हो मेरे से तो मैं उनसे माफी भी चाहता हूं। और मैं यहां पर खान साहब आपको खुदाफिस कहता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूं। सियासत के सफर से मुतालिक उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है कि आगे सियासत करूंगा या नहीं। PTI को उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ये कहकर किया कि आज मेरी ये आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हूं। उन्होंने पूरा जो अपना पोर्टफोलियो है, जो उनकी कोशिश रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले, वो बताई। और इससे मुतालिक उन्होंने ये कहा कि ये जो 9 मई को वाकयात हुए ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, वो किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और अब उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सियासत के सफर से मुतालिक उन्हें अभी मालूम नहीं है, यानी हतमी तौर पर वो ये बता नहीं सकते हैं कि वो आगे सियासत को कंटिन्यू करेंगे या नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि आज मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हूं। तरक्की खुशहाली वाले पाकिस्तान का ख्वाब हमने देखा था और 4.5 साल हुकूमत में रहा, ना तजुर्बेकारी थी हमारी। 27 साल जदोजहद के बाद मिलने वाली हुकूमत 4.5 साल में फारिग हो गई और यह बयानियां बनना शुरू हो गया कि PTI का मुकाबला पाक फौज से है। उन्होंने कहा कि मेरा खानदान फौज से नहीं, लेकिन मेरा दिल पाक फौज के साथ है। बचपन से ख्वाहिश थी कि GT पायलट बनूं। उन्होंने ये भी कहा कि फौजी तंजीबात पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। 9 मई के बाद कुछ दिन छुपता फिरा, फिर पकड़ा गया। इमरान इस्माइल ने PTI और उसके तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि खान साहब आपको खुदा हाफिज कहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूं। और सेंट्रल जेल कराची से उन्हें रिहा किया गया था। उसके बाद यही तवक्को जाहिर की जा रही थी कि इमरान इस्माइल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उनकी जो सीनियर रहनुमा थे उनसे, और वो मुख्तलिफ इस तरह के, उन्होंने सियासत छोड़ने से मुतालिक उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि सियासत छोड़ने का फैसला मैंने अभी नहीं किया है और वो आगे कंटिन्यू करनी है सियासत या नहीं करनी अभी ये नहीं बता सकता, लेकिन अपने मुल्क के लिए कॉन्ट्रीब्यूट वो करते रहेंगे। सबका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने पहला ही जुमला जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उन्होंने कहा कि आज ये मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सियासी तौर पर यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी और मैं तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से हूं, आज मैं मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। और इससे पहले अली जैदी ने भी पार्टी